प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फैट लॉस करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। फिर वही टॉपिक हमेशा घूम घूम के वही टॉपिक बार बार हमारे सामने आता है कि फैट लॉस करना सब चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। एफर्ट्स बहुत लगाते हैं लेकिन सारे एफर्ट्स फेल हो जाते हैं। हम अगर गेनिंग करना चाहते हैं तो हमारी गेनिंग नहीं होती है, अगर कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग नहीं होती है। फैट लॉस करने की कोशिश करते हैं, वेट कम नहीं होता, गेन करने की कोशिश करते हैं, बढ़ता नहीं है वेट। तो ये चक्कर क्या है, क्यों ऐसा होता है? और जो लोग गेन करना चाहते हैं उनका वेट कम होता रहता है, और जो लोग कम करना चाहते हैं उनका वेट बढ़ता रहता है। तो यार ये प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो प्रॉब्लम ये तो है, प्रॉब्लम समझ में आ गई, लेकिन ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जो हम अचीव करना चाहते हैं उसका उल्टा ही हमारे सामने रिजल्ट आता है? इसके मैं आज आपको आंसर देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम सोचते हैं कि हमें वेट लॉस करना है तो हम एक कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करते हैं। हम लोग तब फॉलो करते हैं एक अच्छा वर्कआउट रिजीम, उसमें हम वर्कआउट करते हैं, कार्डियो करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं, और हम लगातार हर रोज चेक करते हैं कि अब कितना कम हो गया, या हफ्ते बाद हम चेक करते हैं अब कितना कम हो गया। यहां से आपको पता चलता है कि आपका माइंडसेट क्या है, यहां से आपको आपके पेशेंस समझ में आएंगे। पेशेंस की कमी है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नजर नहीं आ रहे। हम बहुत जल्दी पेशेंस खो देते हैं, बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, जिसकी वजह से हम धीरे 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 डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो वेट लॉस करने के लिए अगर आप चल रहे हो तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे कितना वेट लॉस करना है, ये देखने की बजाय अगर आप बस ये समझ लो अब से यही मेरा लाइफस्टाइल है, अब से मुझे ऐसे ही खाना खाना है, अब से मुझे फास्ट फूड से दूर रहना है, शुगर से दूर रहना है, और इन सब चीज़ों से दूर रहना है, मुझे अपनी डाइट में वाटर इंटेक बढ़ाना है, अच्छा खाना है, फाइबर, सैलड, फ्रूट्स, जूसेस, तो इन सब की तरफ ही मुझे रहना है। चाहे कुछ भी हो, वेट कम हो चाहे वेट ज़्यादा हो, तो मुझे इसी तरह से चलना है अपनी ज़िंदगी भर के लिए, ताकि मैं अपने आने वाली जो मेरी लाइफ है, जो 40+ की मेरी ज़िंदगी है, जो 50+ की मेरी ज़िंदगी है, उसमें मैं हेल्दी रह सकूं और उसमें मैं तंदुरुस्त रह सकूं, मेरी उम्र लंबी हो, मुझे कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स ना हो, और इस चीज़ के लिए मुझे आज से ही काम करना है। तब आप देखोगे कि आप वेट भी चेक नहीं करोगे, आप कोई टेंशन में भी नहीं रहोगे, और आप इवेंचुअली पतले होते चले जाओगे, फैट कम होता रहेगा आपका, और दूसरी तरफ आप पहले से ज़्यादा यंग नज़र आने लग जाओगे और पहले से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने लग जाओगे। तो ये कहानी है, पेशेंस की कमी रहती है। अब जो लोग गेनिंग करना चाहते हैं वो गेनिंग करते हैं, वो सबसे पहले अपनी डाइट में काफ़ी कुछ खाना शुरू कर देते हैं, जहाँ 2 रोटी खाते तो वहाँ 4 रोटी खाएंगे, बहुत सारे राइस खा लेंगे, केले खा लेंगे, और उनको लगता है कि हाँ बस अब मेरा अगले हफ्ते जो है 1-2 किलो 3 किलो वेट बढ़ जाएगा। तो उनका जब नहीं बढ़ता तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर उनको जब भूख लगती है तब खाते हैं, जब प्यास लगती है तब पीते हैं, एंड दे कम डाउन टू द सेम काइंड ऑफ डाइट। लेकिन वही चीज़ है, पेशेंस की कमी। तो अगर वो बंदा ये सोचे कि मैं तो पतला हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा और मुझे हेल्दी खाना पड़ेगा, और वो हमेशा ही अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश करे, हमेशा अपने मील्स बड़े रखे, थोड़ा सा लेजी रहे, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बचाए, तो वो डेफिनेटली वेट पुट ऑन कर सकता है, लेकिन 1-2 महीने में नहीं। वो लगातार ये करता रहेगा तो लगातार जो है उसका वेट बढ़ता चला जाएगा। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें रिजल्ट नहीं आते हैं, हमें रिजल्ट आने वाले होते हैं ना, जब तब तक हम अपना हौसला खो देते हैं, तब तक हम अपने पेशेंस खो देते हैं, और रिजल्ट्स का जो समय, जो पॉइंट था जहां रिजल्ट्स हमें दिखने शुरू होने थे, वहां पे ही हम ब्रेक लगा लेते हैं और वहां से ही हम पीछे मुड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस यार बहुत हो गया, एक जिंदगी मिली है, खा लो, एंजॉय कर लो लाइफ को, ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, और बस वहीं से फिर आप दोबारा से फैट लॉस छोड़कर उसी पुरानी ज़िंदगी में चले जाते हो। तो पेशेंस के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है इस बात को समझने की कि कुछ भी बहुत जल्दी हासिल नहीं होता।
अगर आपने आज आपने नोट किया कि आपका वजन 90 किलो है, 90 kg, तो ये पिछले 2 महीने में तो 90 kg नहीं हुआ। 2 महीने पहले तो आप 70 किलो के नहीं थे, 2 महीने में तो नहीं आया ना। अब इसको 90 kg को आने में इतने साल लग गए, तब ये 90 kg का हुआ है, तो जाने में भी थोड़ा समय तो लगेगा ना। तो हैव सम पेशेंस, उतावले क्यों हो रहे हो आप इतने? और जब आप उतावले हो जाते हो, जब आप पेशेंस खो देते हो, तो आप गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देते हो। या तो आप अनहेल्दी तरीकों से अपने आप को पतला करने की कोशिश करते हो कि कुछ भी नहीं खाना मुझे, मुझे बस सैलेड पे जिंदा रहना है, मुझे बहुत सारा कार्डियो करना है, मुझे बस दिन रात वॉक करनी है, वो गलत है। या फिर आप सोचते हो कि मुझे ये सप्लीमेंट भी ले लेना चाहिए, वो सप्लीमेंट भी ले लेना चाहिए, फैट बर्नर भी मैं सुबह शाम खाऊंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा, ये भी गलत है। या फिर आप जाते हो किसी कोच के पास, ट्रेनर के पास, भैया मुझे तो आप स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगा दो, मुझे कैसे भी करके पतला कर दो। वो कहता है यार वाह, अपॉर्चुनिटी आ गई, ग्राहक आ गया एक नया, और वो लगा देगा, लेकिन आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आगे जाके। सो उतावलापन, पेशेंस का खो देना आपके लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। आपको अपनी अपने टारगेट की तरफ बने रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। अब मान लो आप अमृतसर में बैठे हो और आपको दिल्ली जाना है, तो आप करनाल पहुंच के कहते हो अरे यार दिल्ली अभी तक आया ही नहीं है, मैं दिल्ली पहुंच ही नहीं पा रहा हूं यार, चलो छोड़ो यार, वापस चलो, वापस अमृतसर चलो। तो ऐसे तो आप कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाओगे। तो पेशेंस रखो, जब दिल्ली आएगा तब आएगा। रास्ते में ट्रैफिक जैम हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, कोई भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको पता है कि हाँ दिल्ली उसी तरफ है और मुझे उसी तरफ चलते रहना है। धीरे 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 ये ट्रैफिक खुल जाएगा, धीरे 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 ये धुंध कम हो जाएगी, रास्ता साफ हो जाएगा, और मैं अगर 1 घंटा लेट या 5 घंटा लेट या 10 घंटा लेट भी पहुंचूंगा, पर मैं पहुंच जाऊंगा दिल्ली। इसी तरह आपको समझना है कि मुझे ये डाइट फॉलो करनी है, मुझे ये वर्कआउट लगाना है, 1 दिन लेट, 1 हफ्ता लेट, 1 महीना लेट, या अगर 1 साल लेट भी पहुंच गया अपने टारगेट पे, अपने ड्रीम बॉडी पे, तो भी मेरे लिए बहुत सही है, तो भी मैं बहुत खुश हूं। इस तरह से सोचोगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, अपने आप को ठीक कर लोगे। नहीं तो फिर आप सिर्फ शिकायत करते रहोगे कि हाँ वो जिम अच्छा नहीं है, वो ट्रेनर अच्छा नहीं है, उसकी डाइट अच्छी नहीं है, उसका वर्कआउट अच्छा नहीं है। खुद में कोई कमी नहीं देख पाओगे आप, अपने पेशेंस की कमी के बारे में कभी सोच नहीं पाओगे आप। आपको लगेगा कि सारी जो चीजें हैं बस मेरे पे ही काम नहीं कर रही हैं। तो 2 + 2 = 4 होता है। ये 2 + 2 = 4 है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। 2 + 2 = 5 नहीं होगा, या 2 + 2 = 6 नहीं होगा। इसी तरह से जो फैट लॉस का जो प्रोसेस होता है, फॉर्मूला होता है कह लो, या उसका जो एक मेथड होता है, वो मेथड ही मेथड है, उसके बाहर कोई और तरीका नहीं है। बस आपके कोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको मोटिवेट करके उस पे बना के रखता है, या आपका कोच कहता है यार छोड़ो यार इसको, ये बहुत दिमाग खाता है मेरा। आपको पहले नंबर पे समझना पड़ेगा कि आपको खुद को उस ट्रैक पे बना के रखना पड़ेगा, उस जर्नी में खुद को बना के रखना पड़ेगा। आप उस जर्नी से बाहर होते हो, लॉस किसी का भी नहीं है, सिर्फ आपका लॉस है। वही दिल्ली वाला एग्जाम्पल, अगर आप करनाल पहुंच के कहते हो यार अभी तक दिल्ली नहीं आया, मुझे बोला था इतने घंटे में दिल्ली आ जाएगा, इतने घंटे तो हो चुके हैं, दिल्ली नहीं आया, मैं वापस जा रहा हूं, तो यहां गलती किसकी है और लॉस किसको होने वाला है? आपको। और इसी तरह से अगर आप फैट लॉस की जर्नी में हो, या मसल मास गेन करने की जर्नी में हो, या बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में हो, तब आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए कितनी जल्दी या कितने कम समय में। आपकी बॉडी को हो सकता है आज समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में आपकी बॉडी बहुत स्पीडली रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर दे, बहुत तेजी के साथ। एक क्लाइंट था मेरा, उसका वजन पहले महीने में 1 किलो भी नहीं कम हुआ, 1 किलो भी कम नहीं हुआ।
दूसरे महीने में हर हफ्ते उसका 1.5 किलो कम हुआ, 6 किलो कम किया उसने दूसरे महीने में, 6-7 किलो। और तीसरे महीने में लाइक वो कह रहा था ये क्या हो रहा है, मेरा बॉडी वेट इतना रैपिडली कम हो रहा है कि मुझे लगता है मुझे हाइपर थायराइड हो गया है, और हमें उसका टेस्ट करवाना पड़ा, हाइपर थायराइड तो नहीं हुआ कहीं से। यू नेवर नो कि आपकी बॉडी कब रिस्पॉन्ड करेगी। काफ़ी लोगों की बॉडी फर्स्ट मंथ में 5-6 किलो 7 किलो भी रिड्यूस कर देती है, एक महीने में 7 किलो, पर दूसरे महीने में वो 3 किलो रह जाता है, 3 किलो कम होता है, तीसरे महीने में 1 किलो भी कम नहीं होता। आपकी बॉडी दूसरों की, बाकी लोगों की बॉडी से अलग है, तो आपके रिजल्ट्स दूसरे लोगों के रिजल्ट से अलग होंगे। जल्दबाजी करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। आपको अच्छी डाइट खानी है, बात खत्म। आपको अच्छे से रहना है, बात खत्म। आपके दांतों में कीड़ा लगा है चाहे आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगा, आप ब्रश तो रोज करते हो ना, आप मिट्टी में घुल मिल के आए हो या सारा दिन घर पे रहे हो, नहाते तो रोज सुबह हो ना, तो फिर अच्छे से खाओ, डाइट साफ सुथरी रखो, डाइट में शुगर मत लो, डाइट में ऑयली सब्सटेंसेस मत लो, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मत खाओ, सिंपल। और अगर आप खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, जिम जाओ, जिम जाके वर्कआउट करो, अपना कार्डियो करो, अपनी वेट ट्रेनिंग लगाओ। अगर पिछली बार आपने 20 पुशअप्स लगाए थे, इस बार आप 22 लगाओ। पिछली बार अगर आपने प्लैंक 30 सेकंड्स के लिए किया था, इस बार 35 सेकंड्स के लिए ट्राई करो। तो करो ना, थोड़ा चैलेंज लो यार जिंदगी में, थोड़ा पुश करो अपने आप को जिंदगी में। वहीं पे खड़े रहोगे तो कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, आप जहां हो वहीं रहोगे। जितना आप कर रहे थे 2-3 साल से उतना ही आज कर रहे हो, और आपकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है, अब कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यू हैव टू डू मोर, यू हैव टू ट्राई मोर, यू हैव टू फाइंड आउट कि मेरी गलती अभी भी है कहीं ना कहीं, उस गलती को ढूंढो, उस गलती को सुधारो, पेशेंस रखो, लेकिन साथ साथ में अपनी गलतियों को सुधारो, साथ साथ में अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी एक्टिविटी में अच्छा सा अच्छे से परफॉर्म करना शुरू करो। जो एक्टिविटी आप पहले कर रहे थे उससे बेहतर एक्टिविटी करो। अगर 10 मिनट में आप 200 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, तो 10 मिनट में आप टारगेट रखो मुझे 220 कैलोरीज बर्न करनी है। थोड़ा 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 आगे बढ़ो, थोड़ा थोड़ा चैलेंज लो, थोड़ा वर्कआउट को चैलेंजिंग बनाओ, थोड़ी डाइट में और कमी लेके आओ, थोड़ी डाइट को और बेहतर करो। पहले आप एक दाल खाते थे, एक सब्जी खाते थे, अब आप एक दाल सब्जी सैलड खा रहे हो, अब दाल खा रहे हो, मिक्स वेज खा रहे हो और सैलड खा रहे हो, रोटी हटा दी आपने, अब आप उसमें भी जो है चेंजेस कर रहे हो, थोड़ा पनीर ऐड किया आपने, उसको और हेल्दी बना दिया आपने। यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग ईच डे। आप जैसे पहले से डाइट खा रहे हो वही डाइट खाते रहोगे और उसके एवज में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, गलत हो जाएगा। पेशेंस रखो, लगातार इम्प्रूवमेंट की तरफ चलो, लगातार अपनी कमियों को ढूंढो, उनको ठीक करो। जो भी आपका टारगेट है, फैट लॉस का है या मसल बनाने का टारगेट है, आप उसे अचीव कर पाओगे। इवन अगर आपका बॉडी बिल्डिंग का टारगेट है, आप उसे अचीव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस इसी लंबे चौड़े लेक्चर को मैं आपके सामने रखना चाहता था, और उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब मुझे पता है आपने कर दिया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।